में आकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, ये नन्हे नन्हे बच्चे आज इस कोविड पीरियड में भी इतने उत्साहित हैं, इतने जागरूक हैं कि अपनी भावनाओं को वो वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से व्यक्त करने के लिए मंच पर आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। और हिंदी, हिंदी ऐसी भाषा है जिस पे हम सबका नियंत्रण होना, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, समझते हैं, तो आप कोई भी भाषा अच्छी तरह से फिर सीख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें अपनी माँ से प्यार, जैसे अपने घर पे अपने माँ से प्यार करना, वैसे ही तुम्हें अपने हिंदी भाषा से भी प्यार करनी है, ताकि हमेशा हमेशा हिंदी हमारे, जिस तरह से माँ हमेशा साथ रहती है, वैसे ही हिंदी भाषा भी कहीं पे भी आप जाओगे तो आपके साथ वो रहेगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा ऐसा है कि आप अपनी, ठीक है, चलिए। मैम, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। ओके, थैंक यू मैम। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव मैम का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आप संदीप कुल वर्मा हिंदी विभाग की वरिष्ठ अध्यापिका हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में मैम का योगदान अतुलनीय है। आपने हमें अनुग्रहित किया है, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको शूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा भी नहीं मिट सकती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसके प्रचार प्रसार एवं उन्नति के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, जैसे भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है, ताकि अभिव्यक्ति के कौशल का विकास हो सके। आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है अभिव्यक्ति की आजादी। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं प्रतिष्ठा सिंह पक्ष से, अर्पिता सोनकर विपक्ष से, समर्थ त्रिपाठी पक्ष से और अनुष सिंह विपक्ष से। अच्छा, बरनवाल यदि निर्णायिका महोदय की अनुमति हो तो मैं इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए शास्त्रांश प्रियदर्शी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैम, यदि आपकी अनुमति हो तो हम आगे कार्यक्रम का संचालन शुरू करें। ओवर टू शाक्यांश। इस सभा में उपस्थित आदरणीय निर्णायिका महोदया, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, समस्त गुरुजनों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, एवं जय। मैं शाक्यांश आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का संचालन करने के लिए उपस्थित हूँ। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है अभिव्यक्ति की आजादी। प्रतियोगिता का आरंभ करने से पहले मैं समस्त प्रतिभागियों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता के पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क रखने के लिए अधिकतम समय सीमा 3 मिनट है। इससे अधिक समय लेने पर प्रतिभागी का अंक काट लिया जाएगा।
प्रतिभागियों का अंक निर्धारण जिन चार बिंदुओं पर किया जाएगा वे हैं: अभिव्यक्ति की शैली, विचारों की स्पष्टता, तार्किकता एवं उच्चारण। प्रतियोगिता का शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम विषय पर पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिष्ठा को आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात एवं जय हिंद आदरणीय निर्णायिका महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं प्रतिष्ठा सिंह आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि हर एक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार व्यक्त करने की आजादी प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन की बात व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे न्यायालय का अपमान करने के कारण, अपमानजनक शब्द, लेख दूषण, मानहानि, सदाचार एवं नैतिकता के आधार तथा राज्य की सुरक्षा के आधार पर। अभिव्यक्ति की आजादी को किसी सूचना या बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप के बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा कुछ न कुछ सीमा अवश्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति न सिर्फ अपने विचार प्रसार प्रचार कर सकता है, बल्कि आदान प्रदान करने का अधिकार रखता है। हालांकि यह अधिकार सार्वभौमिक नहीं है, इस पर समय समय पर नियुक्ति नियुक्ति निबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य राज्य के पास यह अधिकार सुरक्षित होता है कि संविधान और कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी हद तक जाकर बदती करने तक रखा गया है। समाज के समग्र निकास के लिए बोलने की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इसके नकारात्मक मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुई हूँ। एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों का सम्मान करता है और उन्हें सभी अधिकारों को उन्हें प्राप्त करता है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिष्ठा। अब मैं विषय के विपक्ष में अपना तर्क रखने के लिए एवं अपने विचार व्यक्त करने के लिए अर्पिता सोनकर को आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात एवं जय हिंद आदरणीय निर्णायिका महोदया, प्रधानाचार्य महोदया, गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अर्पिता सोनकर आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बंदर के हाथ में तलवार आ गई और आजकल इतनी योग्यता काफी है तलवार चलाने की। अभिव्यक्ति की आजादी भी है और अभिव्यक्ति के मंच भी। चलो भांज देते हैं अभिव्यक्ति की तलवार। वैसे अभिव्यक्ति की आजादी से पहले एक और आजादी आती है, सोचने की आजादी। जी हाँ, सोचने की आजादी। लेकिन हम अपनी आजादियों का क्रमश उपयोग करने के लिए बाध्य थोड़ी है, क्योंकि इस क्रम की बाध्यता से भले ही अभिव्यक्ति की आजादी दुरुस्त जाए, आजादी अभिव्यक्ति खतरे में पड़ती है। खतरे में बड़े बड़े बलिदानों के बाद यह आजादी मिले ली। आज हम इसके एक एक शब्द की कीमत जानते हैं और इसे सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ उसी तर्ज पर जैसे वेद के मंत्रों को प्रतिपोष यानी मिलावट से दूर रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उपाय किए थे, जिन्हें हम प्रकृति पाठ के नाम से जानते हैं। इसमें मंत्र के पद को उलट पुलट कर बोलने के बाद भी उनके अर्थ पर कोई असर नहीं होता और उसमें कोई और शब्दों की मिलावट की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। सर, अपनी आजादी के मंत्र को भी हम कुछ इस विधि से सुरक्षित करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, आजादी की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी, आजादी की अभिव्यक्ति, हो गया सुरक्षित। अब इसमें कोई और दूसरे शब्द की मिलावट नहीं कर पाएगा।
सहाकर कहने लगे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी हमें मन से बता रहे व्यक्ति की आजादी है पटाख से आजादी के इस मार्ग का मंत्र का विकृति पाठ पेश कर देंगे। देखो एक जगह तुमने स्क्रीन पे लिखा है ना कितनी सारी जगहों पर नहीं हमारी आजादी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं आवाज उठानी पड़ेगी अपनी हक की आवाज इसलिए आजकल कुछ भी समस्या हो उसके लिए आवाज उठा देना बहुत जरूरी हो गया है। मात्र पहले ही इतनी आवाजें उठी हुई हैं कि अगली आवाज को पिछली आवाजों से और ऊंचा करने में प्रॉब्लम समस्या होती है लिहाजा आवाज में किसी मर्यादा या शिष्टा की गुंजाइश भी कम नहीं रहती है। ऊपर से हम आजाद है अपने शोर को अभिव्यक्त करने के लिए ऐसे मुद्दों का समाधान भी शोर की शक्ल में आता है शोर की शक्ल में और फिर एक और शोर मचता है कोई सुन नहीं रहा। अरे भाई कोई सुने भी कैसे सब तो बोलने में व्यस्त है। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि अपनी अपनी आजादियों को समझाइए कि वो देश हित में उपयोग हो। इसका मैं जानती हूँ अभिव्यक्ति की आजादी हम लोगों की सरकार ने दी है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। धन्यवाद अर्पिता आपने विषय के पक्ष में अपना विचार व्यक्त करने के लिए अगले प्रतिभागी समर त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात एवं जय हिंद आदरणीय निर्णायिका महोदय अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठी मैं समर त्रिपाठी आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इंसान प्रकृति की एकमात्र कृति है शब्दों के माध्यम से अपनी सोच भावना और अनुभव को अभिव्यक्त कर सकता है। यह अभिव्यक्ति के सामर्थ्य का आधार मानव जीवन के ज्ञान का भी आधार है। ज्ञान का यह तो उसकी अनुभूति और दूसरी उसके अभिव्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ता है। अनुभूति के माध्यम से एक व्यक्ति निजी तौर पर चीजों को जानता समझता है मगर अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात को एक या एक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है। अभिव्यक्ति कई माध्यम से हो सकते हैं लेकिन भाषा अभिव्यक्ति की का सबसे सशक्त और वैज्ञानिक माध्यम है। अभिव्यक्ति की आजादी को हम साधनों में भी सीमित नहीं कर सकते। ज्ञान चाहे दार्शनिक वैज्ञानिक या वैज्ञानिक अनुभव हो मगर सकत मानव जीवित की नई निधि है। इसलिए हर किसी की अभिव्यक्ति की आजादी मानने की सुविधा हो और अधिकार होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व को रेखांकित करते हुए चार बिंदुओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सत्य तथा ज्ञान की खोज में और उसके प्रसार के लिए अभिव्यक्ति की आजादी अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद धन्यवाद समर्थ। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुज को आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात एवं जय हिंद आदरणीय निर्णायिका महोदया प्रधानाचार्य महोदया गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों मैं अनुज सिंह आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं। यही देश विरोधी ताकतें संविधान की गलत तरीके से व्याख्या करती हैं। यही देश विरोधी ताकतें देश में अराजकता फैलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। आज देश में देश विरोधी ताकतें संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करना भारतीय संविधान का अपमान है। देश में आज कुछ ताकतें तुष्टिकरण का काम कर रही हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं। देश में आज इन्हीं देश विरोधी ताकतों की सब पर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो कोई हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है और कुछ राजनैतिक दल ऐसे लोगों की तरफदारी करके उनका साथ देकर उनको संरक्षण देते हैं। ऐसे देश विरोधी लोग इन्हीं राजनीतिक दलों की सह पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आज देश में कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति की खातिर ऐसे लोग को संरक्षण दे रहे हैं। देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है।
बेशक हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ यह नहीं है कि देश की बर्बादी के नारे लगाए जाएं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की कसमें खाई जाएं। देश की बर्बादी के नारे लगाने वाली ताकतें आज आरोप लगाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान पहले से हिंदू राष्ट्र है। यह हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदुओं की ही सहिष्णुता है जो खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानते हैं और देश में किसी भी प्रकार का धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करते। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद अनुष। अब मैं विषय के पक्ष में अपना तर्क रखने के लिए एवं अपने विचार व्यक्त करने के लिए अक्षिता बरनवाल को आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात एवं जय हिंद आदरणीय निर्णायिका महोदया, प्रधानाचार्य महोदया, गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अक्षिता बरनवाल आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दुनिया भर के अधिकांश देशों के नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। यह अधिकार उन देशों में रहने वाले लोगों को कानून द्वारा दंडित किए जाने के डर के बिना अपने मन की बात कहने के लिए सक्षम करता है। अभिव्यक्ति की आजादी की अवधारणा बहुत पहले से ही उत्पन्न हुई थी। इंग्लैंड के विधेयक अधिकार 1689 ने संवैधानिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी को अपनाया और यह अभी भी प्रभाव में है। 1789 में फ्रेंच क्रांति के मनुष्य और नागरिकों को अधिकारों की घोषणा को अपनाया। इसके साथ ही स्वतंत्रता एक नतीजे के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी की पुष्टि हुई। अनुच्छेद 11 में अभिव्यक्ति की आजादी और अभिव्यक्ति की घोषणा कहती है, सोच और विचारों का निशुल्क संचार मनुष्य के अधिकारों में सबसे अधिक मूल्यवान है। हर नागरिक तदनुसार स्वतंत्रता के साथ बोल सकता है, लिख सकता है, तथा शब्द छाप सकता है, लेकिन इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के लिए वह अभी भी उसी तरह जिम्मेदार होगा जैसे कि कानून द्वारा दंडित परिभाषित किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में अपनाई गई थी। इस घोषणा के तहत यह भी बताया गया है कि हर किसी को अपने विचारों और राय को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी अब अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार कानून का एक हिस्सा है। अभिव्यक्ति की आजादी लोगों को अपने विचारों को साझा करने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षिता। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया से निवेदन करता हूँ कि आप अपने मूल्यवान वचनों एवं सुझावों से हमारा मार्गदर्शन करें। वंदना मैम यस मैम, कल्पना मैम जी, मैम नहीं है, है हाँ, अच्छा अच्छा ओके, यस ज्योति मैम, हाँ ओके मैम, ज्योति मैम, ये मैम, मैम इज नॉट, मैम प्रिंसिपल मैम इज नॉट देयर, सो नहीं प्रिंसिपल मैम नहीं है, ठीक है, तो साक्षात कंटिन्यू, आगे बढ़ो बेटा। अब मैं माननीय निर्णायिका महोदया से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें अपने आशीर्वचनों से सिंचित करें एवं हमारा मार्गदर्शन करें। ओके सभी बच्चों ने
बहुत ही सुंदर और अथक प्रयास किया है, मतलब इतना अच्छा, इतने अच्छे शब्द, इतने कठिन शब्द और इतने सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुति की है कि मैं भी आश्चर्यचकित होके उसी में बस देखती रह गई और सुनती रह गई कि इतने नन्हे बच्चे और अपने अभिव्यक्ति को इतने सुंदर शब्दों में कहा। इसके पीछे उनके मम्मी पापा और हमारी टीचर्स ने जो अथक प्रयास किया है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। वाकई बच्चों, तुम लोगों ने बहुत 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 अच्छा किया। मतलब मुझे ये निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जा रहा है कि मैं किस बच्चे को कहूं कि ये अच्छा, इसने अच्छा किया और इसने अच्छा नहीं किया है। सारे बच्चों ने बहुत 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 अच्छा किया है। इसमें मम्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन लोगों ने भी अपने बच्चों को इस प्रयास में बहुत ही अपनी सहभागिता दी है। धन्यवाद मम्मिया और धन्यवाद टीचर्स, हमारे हिंदी के अध्यापिकाएं लोग और भी कोऑर्डिनेटर्स और भी बहुत सारे जो टीचर्स मुझे दिख रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है अपने बच्चों को आगे लाने की। और लेकिन बच्चों, निर्णय लेना ही पड़ता है कि किससे, नियम के अनुसार कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी कमी थी, यहाँ पे कुछ कमियां थी, क्योंकि बिना कमी के इंसान फिर पूरा नहीं होता है। जब तक इंसान गलतियां नहीं करता तब तक फिर वो अच्छा नहीं बनता है। और गलतियां बताने वाला भी बहुत जरूरी होता है। कबीर दास जी का पढ़ा होगा आप लोगों ने दोहा, या आगे आके पढ़ोगे कि निंदक नियरे राखिए, हमेशा निंदा करने वालों को अपने पास रखना चाहिए ताकि वो आपकी कमियों को बताएं। और बिना कमी बताए फिर आप अपनी अपने अंदर छिपे गुणों को पहचान नहीं पाएंगे, उन कमियों को निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं भी यही कहूंगी कि सारे बच्चों ने बहुत 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 अच्छा किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सब में त्रुटियां थी। जैसे किसी ने शुद्ध उच्चारण में थोड़ी कमियां रख दी, जैसे सा शा को स कहना है ना, देश बोला, बस यही ऐसी छोटी छोटी कमियां थी बच्चों ने। तो वाकई बहुत अच्छा सबने बोला, शायद मैं भी नहीं बोल पाती, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग शायद मैं भी नहीं कर पाती। तो बहुत अच्छा रहा और मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हो, पुस्तकों को पढ़कर। घर में अगर हिंदी समाचार पत्र आता है, न्यूज़पेपर जिसको कहते हो, वो अगर आता है तो उसके जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं ना, उसकी रीडिंग रोज लगाया करो, ठीक है। और छोटी छोटी कहानियों की जो पुस्तकें आती हैं उनकी रीडिंग लगाया करो, तो देखना तुम लोग कितने अच्छे हिंदी में हो जाओगे। पता चला सारे सब्जेक्ट पीछे हो जाएंगे, हिंदी में 80 out of 80 सबके आने लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो तुम लोग रीडिंग जरूर 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 से करना, और सबने बहुत अच्छा किया है। और बस नियम के अनुसार जिसमें थोड़ी बहुत जो कमियां थी, वही शुद्ध उच्चारण जैसे था, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा उसको प्रस्तुति करने में थोड़ी सी कमियां, बस यही सब चीजें रह गई है, बाकी और सबका बहुत अच्छा था। इसी के साथ तुम सबको ढेर सारा आशीर्वाद कि तुम सब ऐसी आगे बढ़ते रहो और खूब सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहो, ठीक है। चलो धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद टीचर्स। थैंक यू मैम। कल्पना मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अब अनाउंस करिए कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है। अच्छा, अभी कर दूं? हाँ मैम, आप अभी कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले अर्पिता सोनकर है जिसने विपक्ष में दिया था अपना, ठीक है। उसने बहुत ही, देखो बच्चों, जब किसी चीज को कहते हैं ना तो उसको कहते हैं ना विद एक्सप्रेशन, उसको भावों के साथ व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। और पता चला कोई चीज हो, बस आप ऐसे 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 रीडिंग लगाते चले जाओगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ना जब उतार चढ़ाव नहीं आता, जब उसमें आपके भाव नहीं दिखते ना, तो क्लियर चीजें नहीं होती हैं। थोड़ा सा भाव जरूरी होता है, जिसे अर्पिता ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, ये ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो यही सब लोग करना, जब भी कुछ अपनी बातों को व्यक्त करो तो भाव के साथ करो, ठीक है। तो अर्पिता सोनकर जो है वो फर्स्ट आई है क्योंकि इसने बहुत अच्छे ढंग से बोला था, ठीक है बच्चों। दूसरा है प्रतिष्ठा सिंह, जिसने पक्ष में बोला था,
उसने भी काफी अच्छा बोला था, शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा किया था और उसका उच्चारण बहुत शुद्ध था। प्रतिष्ठा सिंह, ये है आपकी द्वितीय, ठीक है। और तीसरा बच्चा है अनुज सिंह। अनुज सिंह ने भी बहुत अच्छा बोला था, कहीं कहीं थोड़ा सा विराम हो गया था उसके उसमें, लेकिन उसने बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे अच्छी तरह से अपनी अभिव्यक्ति की थी। तो ये तीसरे नंबर पे अनुज सिंह है, ठीक है। तो यानी अर्पिता सोनकर फर्स्ट है, प्रतिष्ठा सिंह सेकंड है और अनुज सिंह थर्ड पोजीशन पे हैं। और बाकी ये सारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया, इनको हम ये नहीं कहेंगे, इन लोगों ने भी बहुत बहुत ये इन्होंने हिस्सा लिया इस भाग में, यही अपने आप में बहुत है। ये फर्स्ट जैसे ही हैं ये सब बच्चे, ठीक है ज्योति। यस मैम, थैंक यू मैम। वंदना मैम, यू कैन एंड द मीटिंग एंड चिल्ड्रन यू कैन जॉइन योर नेक्स्ट क्लास। Arpita will be getting the certificate for the first prize and for securing first position, and others will be getting the participation certificate. As only 5 children were there, so only first child, the first who has got the first position, will get the certificate, and others will get e-certificates for participating in Hindi debate. Okay? Vandana ma'am, you can end the meeting. वंदना मैम आप म्यूट हैं। सॉरी। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाइयां, एवं जो विजेता हैं अर्पिता सोनकर, प्रतिष्ठा सिंह और अनुष सिंह को बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन बहुत अच्छे डिबेटर बनेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता में आप बहुत आगे जाएंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी अध्यापकों का धन्यवाद देती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ। ओके।